कि 9 बज चुकी है और 9 बजते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान पूरे देशवासियों से था कि कोरोना महामारी को हराने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपील पूरे देश से की, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर अब नजर आने लगी है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अजमेर में, अजमेर की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। वैशाली नगर इलाके के अंदर हम मौजूद हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, आपको छतों से नज़ारे देखना आप शुरू कीजिए कि लोगों ने कैसे प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि 9 मिनट तक, रात को 9 बजे आप अपने घर से, घर की जो बालकनी है, जो छत है, वहाँ से आपको आना है और दिए जलाने हैं, टॉर्च जलानी है, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलानी है और यहाँ से आप हर घर हम आपको दिखा रहे हैं, हर घर की हम आपको बालकनी दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं, बाहर दिए लेकर आ चुके हैं, मोमबत्ती लेकर आ चुके हैं, उनको जला रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील का ही ये असर है, नज़ारा है। इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको दूसरी गली में भी आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको मैं दिखाता हूँ। छत आप देखिए, छतों पर लोगों ने जिसके हाथ में जो है, किसी के हाथ में टॉर्च है, किसी के हाथ में मोबाइल है, उनकी फ्लैश लाइट यहाँ पर जला ली है। लोग छतों के ऊपर और बालकनी जो घरों की है वहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब देशवासियों से अपील की है, तब तब ये नज़ारा देखने को मिला है। उनकी अपील का ही ये असर है कि देश के तमाम लोगों ने उनकी अपील को स्वीकार किया है, उनकी अपील को माना है। चाहे 22 अप्रैल का जनता कर्फ्यू का दिन हो या फिर आज जो फ्लैश लाइट और मोमबत्ती जलाने की बात हो, वो आपको हम दिखा रहे हैं। छत के ऊपर से देखिए लोग किस तरीके से लगातार मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको जलाकर हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत कर रहे हैं। लगातार पूरी गली में आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज दिवाली का पर्व है और दिवाली को यहाँ पर मनाया जा रहा है। हर गली के बाद, हर गली में जो घर हैं, उन घरों की जो छत है और जो बाहर बालकनी है, जहाँ जगह दिखाई दे रही है वहाँ आपको मोमबत्ती या दिए जलते हुए नज़र आ रहे होंगे। छतों के ऊपर लगातार लोग खड़े हुए हैं, अपनी मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको जला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसी अपील 9 बजे 9 मिनट की है, उस अपील को पूरी तरीके से यहाँ पर लोग पालना कर रहे हैं। एक तरीके से कड़ा संदेश दुनिया के अंदर देने की कोशिश है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने कदम को उठाया है कोरोना महामारी को हराने के लिए, उसकी पालना लगातार लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हर संभव कोशिश अपने स्तर पर कर रहे हैं। जो सरकार कह रही है उसकी पालना की जा रही है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा कि देखिए पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपको एक मंत्र की जो आवाज़ है वो आपको यहाँ पर, एक घर है यहाँ से आपको सुनाई दे रही होगी। मंत्रोच्चार यहाँ पर शुरू हो गया है। एक तरीके से भारत माता के जयकारे के नारे लग रहे हैं, देखिए। और लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ नीरज जैन हैं, बीजेपी से नेता हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये तस्वीर क्या कहती है? मुझे लगता है ये देश एकजुट होकर जिस प्रकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आग्रह किया और ये देश ने एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ा है। और ये लॉकडाउन, जो लॉकडाउन 14 तारीख तक है, ये लड़ाई का ही हिस्सा है कि मोदी जी के आग्रह पे पूरा देश आज अपने घरों की लाइट बंद करके, दीपक जला करके, अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके, आप पटाखों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, किस प्रकार अपने स्वच्छता सैनिकों को, अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सों को, अपने सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट कर रहा है ये देश कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए, लॉकडाउन का पालन करते करते साथ में किस प्रकार हमारे इन सैनिकों को सम्मान देना है, उनको सैल्यूट करना है। 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक ये लगातार इस प्रकार रोशनी पूरे देश में होने वाली है, उसका नज़ारा अजमेर में भी नज़र आ रहा है। देखिए अजमेर में ये नज़ारा आ रहा है खूबसूरत। मैं पीछे की तस्वीर कहूँगा, मेरे सहयोगी राजवीर कहूँगा वो दिखाए छत के ऊपर की तस्वीर। आप खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, तमाम देश के कई इलाकों से तस्वीर भी हमारे पास आएगी। अंतरिक्ष से जो इस वक्त भारत की तस्वीर आएगी वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान अभी रात के 9 बजे 9 मिनट का जो प्रधानमंत्री का आह्वान था, अपील जो थी, उस अपील के दौरान कैसा, कितना खूबसूरत दिखाई देगा। देखिए महिलाएं बिल्कुल घर से बाहर निकल के आई हैं, दिया लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री की जिस तरीके से अपील है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री की अपील के ऊपर कोरोना महामारी को हराने के लिए, ये अपील जो उन्होंने की दिए जलाने को लेकर? ये डिसीजन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
और हमारे तो दूसरा काम भी, महावीर जयंती है कल, पूर्व संध्या पे हमने थाली सजाई है, दीपक जलाए हैं काफी सारे, महावीर जयंती भी है और महावीर जयंती के जो पूर्व संध्या है उसको लेकर दिए भी जला रहे हैं, यानी कि एक तरीके से पर्व जो है पूरे हिंदुस्तान में आज मनाया जा रहा है। हर धर्म विशेष के लोगों को कहा है, किसी को टॉर्च चलाने के लिए कहा है, किसी को मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने को कहा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से परिवार है, घर के बाहर अपने यहाँ पर है, मोमबत्ती लेके आया है, मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको लेकर आया है, कोई वो जला रहा है जिससे जो संभव हो रहा है। ये यहाँ की मैं तस्वीर और आपको दिखाता हूँ, हर और आपको भारत माता की जय के नारे भी दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने कोरोना महामारी को हराने के लिए जो फैसले लिए हैं वो फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं, और वही फैसले जिस तरीके से एकजुटता पूरे देश में इस वक्त नज़र आ रही है, वो एकजुटता बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री की अपील का भी असर जो है वो दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि आखिरकार सरकार किस तरीके से लोगों को एकजुटता के साथ में इकट्ठा कर रही है और कोरोना महामारी के हराने के लिए एक उत्साह भी लोगों के मन में भर रही है, और एक उम्मीद भी है। ये 9 बजे एक उम्मीद भी जगाती है कि वो दिन हमारे ज़रूर करीब आएगा जब कोरोना महामारी को हिंदुस्तान सबसे पहले पूरी दुनिया में हराएगा। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर। लेजर चल रही, लेजर 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 चल रही, लेजर सागर देखिए लाइव आएगा वापस, लाइव आएगा क्या? गाली मत मारो मेरे पास में, लाइव चल रहा है अभी। अरे सब्जी ना खा जाओ।